दोस्तों, आप अगर बड़ा सा ग्रिल ओवन लेना चाहते हैं और पैसे कम हैं, तो आप ऐसा एक छोटा सा आप सैंडविच मेकर ले सकते हैं दोस्तों, जिसमें आप सारी चीजें बना सकते हैं। तो आज हम सेलो का या प्रेस्टीज का ऐसा रिव्यू कर रहे हैं दोस्तों। ये 2000 रुपये तक आ जाता है और हम इसको 2 साल से यूज कर रहे हैं कंटिन्यूअस। बहुत ही अच्छा रिजल्ट है इसमें। सैंडविच आपकी 2 सैंडविच तो आराम से बन जाएगी, चीज सैंडविच है या वेजिटेबल ग्रिल। पर दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूं इसमें चिकन नॉन वेज भी बन जाता है। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूं खोल के। देखिए, चिकन को मसाला वगैरह लगा के रख देना है। उसके बाद दोस्तों, जो मसाले वगैरह उस पे चढ़ जाएंगे आराम से, तो उसके बाद आपको तेल लगा देना है और इसको इस तरह से कुछ रख देना है। तो आप देख सकते हैं चिकन भी इसमें हो सकता है। तो मतलब ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको ओवन लेना है 8-10 हज़ार रुपये। जो ओवन काम करता है वो काम यहाँ पे भी आपका हो जाएगा। और यकीन मानिए दोस्तों, इसमें बहुत अच्छा चिकन भी ग्रिल हो जाता है, बहुत अच्छी इसमें सैंडविचेस भी बनती है। तो दोस्तों, बुरा मत लगाइएगा, अगर आप नॉनवेज नहीं खाते तो आप इसमें सैंडविच वगैरह बना सकते हैं। सैंडविच बहुत अच्छे से बनेगी, 2 सैंडविच आराम से बन जाती है। और किसी लोगों को नॉनवेज का दोस्तों शौक रहता है, तो नॉनवेज भी आपका इसमें बन जाएगा, ऐसा कोई दिक्कत की बात नहीं है। काफी लोगों को लगता होगा इसमें नॉनवेज नहीं अच्छे से रहता होगा, इवन बड़ा भी बना सकते हैं। मैंने अभी चिकन विंग्स इसमें डाले हैं, तो चिकन विंग्स मैं आपको दिखा रहा हूँ। चिकन विंग्स सारे मैंने लगाए जो जल्दी से भून जाते हैं। और अगर आप तंदूरी भी रखेंगे, तो हम तंदूरी के 2 बड़े पीस हमने रख के किया है, तो उसको तकरीबन 20 मिनट के अंदर हो जाता है और इसमें तकरीबन 10 मिनट रहती है। देखिए, ये काला काला हो गया, मतलब पूरी तरह से ये बन के तैयार है, खाने के लिए रेडी है। तो मैं आपको गार्निशिंग करके भी दिखा देता हूँ। वैसे मैं फूडी, बहुत अच्छा फूडी हूँ और काफ़ी रेस्टोरेंट के रिव्यू भी हम कर चुके हैं। तो सेलो का है ये, 1800 रुपीज समथिंग में पड़ा था। अगर फ्लिपकार्ट वगैरह में आपको सेल आती है तो आप, मैं डेफिनेटली आपको रेकमेंड करूंगा प्रेस्टीज या सेलो का आप ये ले सकते हैं। तो चलिए अब चिकन निकालते हैं। अगर आप प्योर वेजिटेरियन है तो आई एम सॉरी मेरी तरफ से, पर दोस्तों आप इसमें अच्छे से सैंडविच भी बना सकते हैं। इसमें चीज सैंडविच भी बहुत अच्छी बनती है। मुंह में पानी आ गया है दोस्तों, तो बोला भी नहीं जा रहा है। और दोस्तों, आप इसमें वेजिटेबल चीज ग्रिल भी बना सकते हैं। जब दोस्तों ये देखिए, इसका हीटिंग हो चुका है, तो ये लाइट बंद है, लेकिन जैसे ही फिर से हीटिंग की जरूरत होगी ये लाइट चालू हो जाएगी और वो हीट देना शुरू करेगा। 2 साल का लॉन्ग टर्म रिव्यू है, बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही अच्छा है, बहुत ही किफायती है और यूजफुल है। मैं कहूंगा ओवन की कोई जरूरत नहीं है दोस्तों। वैसे भी ओवन का खाना, साइंटिफिक कई रिपोर्टों जो यूएसए की आई है उसमें बताया गया है कि वो थोड़ा नुकसान करता है। तो ये मेरे ख्याल से आपको बेस्ट है। दोनों तरफ गर्म प्लेटें हैं जो उसको इलेक्ट्रिसिटी देती है। आप नीचे से कोट देख रहे हैं, वो ऊपर भी गर्म करती है और नीचे भी गर्म करती है। तो चलिए दोस्तों, गार्निशिंग करते हैं, उसके बाद खाते हैं और इस एपिसोड को कंक्लूड करते हैं। दोस्तों देख सकते हैं कि बन के रेडी है मेरी डिश। मैंने इस पे चीज लगाया है और मायोनीज भी लगाई है। तो चलिए अब शुरू करते हैं और खाते हैं। तो इस तरह से आप चिकन भी दोस्तों बना सकते हैं, चिकन भी बना सकते हैं घर पे ही, बहुत अच्छा आपको चिकन बनाने को मिलता है। तो सेलो और प्रेस्टीज दोनों में आपको रेकमेंड करूंगा। ऐसा जरूरी नहीं है कि दोनों में से कोई भी ले, दोनों ही अच्छे हैं और आपका ओवन का काम आराम से निकाल देंगे, प्लस कोई खर्चा भी नहीं है, बहुत अच्छे से चलते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ एपिसोड पसंद आएगा। पसंद आए सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और दोस्तों के साथ शेयर करिए।